हर कोई सोचता है उसकी शादी धूमधाम से हो, शादी का एक एक लम्हा यादगार बन जाए। लेकिन रोहतक के नवीन को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसकी बारात इस तरह से निकलेगी जिसे ताउम्र नहीं भूला जा सकेगा। जी हाँ, हरियाणा की सरकार विकास के लाख दावे करे, लेकिन जिस रोहतक जिले में मुख्यमंत्री का खुद का पैतृक घर है, वहाँ के हालात क्या हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर लबालब भरे पानी के बीच एक बारात निकाली जा रही है। दूल्हा घोड़ी पर सवार है, ढोल बज रहे हैं और बारात में शामिल युवक ढोल की थाप पर थिरक रहे हैं। दरअसल कलानौर के रहने वाले नवीन की शादी दुर्गा कॉलोनी की लड़की से होनी थी। लड़की वालों ने शादी को यादगार बनाने के लिए छोटू राम चौक के पास एक बैंकेट हॉल भी बुक कर लिया था, लेकिन शादी से ठीक पहले बारिश हो गई और बारिश के चलते छोटू राम चौक का ऐसा हाल हो गया कि हर तरफ कई कई फीट तक जल भराव हो गया। उधर शादी का वक्त नजदीक आ रहा था, इधर सड़कों पर लबालब पानी भरा था। परिजनों ने पानी निकासी के लिए काफी इंतजार किया, लेकिन पानी कम नहीं हुआ तो जल भराव के बीच में ही बारात निकाल दी गई। मजबूरी है भैया, छोटे भाई की शादी है, चाचा का बेटा है, उसकी शादी है। अब देख लो व्यवस्था आपके सामने, रोहतक शहर का हाल, मेन पालिका बाजार चौक के ऊपर पानी पानी छुट्टी होने के बावजूद हर समय यही खाली रहती है यहाँ पर। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार खुद देख रही है, आप कहना क्या, सरकार तो धैर्य हुई है, कुछ सुनती नहीं, कुछ देखती नहीं, आंखों में पट्टी बांध रखी है। तो कोई समाधान चाहेंगे? समाधान जरूर चाहिए इसका, वो अपने आप देखें क्या हो सकता है। हमारा तो कुछ होता देखने रहा, हर बरसात में हर पानी में सब जगह यही यही हर बार यही हाल होता है। तो अभी शादी है, आज तो दिक्कतें हो रही हैं आपके सामने, देख लो कितनी दिक्कतें हो रही हैं। ये शादी है, बेचारे एक बार लड़के की शादी होनी होती है, पहली शादी हो, शादी में ही देख लो क्या हाल है, कैसे शादी में क्या हुआ। तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, जिम्मेवार है रोहतक की। मानसून आने से पहले सरकार और प्रशासन पानी निकासी को लेकर दावों की झड़ी लगा देता है, मगर पहली ही बारिश से प्रशासन के तमाम दावों की धज्जियां उड़ जाती हैं और मानसून के आखिरी तक धरातल पर सूरत हाल कुछ ऐसा हो जाता है। हालांकि नवीन की बारात तो जलभराव के बीच निकाली गई और जैसे तैसे शादी भी हो गई, मगर प्रशासन अब भी अपनी नाकामी छुपा रहा है और बड़े बड़े दावे कर ताल ठोक रहा है। जल भराव एक समस्या रहा, परंतु आपने देखा होगा शहरी तबके में, शहरी हलके में एक डेढ़ घंटे में पानी अक्सर हमारा उतर जाता है। पीछे हमने छोटा राम चौक से और ये रेलवे लाइन के नीचे झज्जर रोड की तरफ ड्रेन के अंदर हुई थी 12-13 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, वो चलाई है। इसके अलावा जो ग्रामीण अंचल में खेतों में पानी भर गया था, वो फर्स्ट स्पेल का सारा पानी निकाल दिया गया था। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिए, एक सेकेंड स्पेल जो रेन की आई है लास्ट वीक, उसमें पुनः वो पानी भर गया, क्योंकि पीछे बारिश अच्छी थी, वाटर लेवल भी ऊपर आ गया था और पीछे से भी जो पानी आ रहा है वहाँ ड्रेन्स में बहता है, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी समस्या है। आबादी में हमारे पानी 8-7 गांवों में ही है, ज़्यादा में नहीं है, जिसके लिए हमने पंप्स डीजल के भी लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक पंप्स भी लगा रखे हैं। जिन गांवों में ज़्यादा समस्या है, ये 200-300 एकड़ से ऊपर, वहाँ हमने 24 घंटे बिजली सप्लाई वहाँ पर शुरू करवा दी है। कुछ रोड्स की हालत खस्ता थी, आपने देखी होगी, तो डेली रोड को शायद दुरुस्त किया गया है। अभी बारिश के मौसम में बिट्यूमन वगैरह का, तार पुल इत्यादि का काम नहीं हो सकता, सब लोग जानते हैं, तो फौरी उपचार उस चीज़ का कर दिया गया है, बारिश के थमते ही उनको दुरुस्त किया जाएगा। शहर में भी नगर निगम ने अभियान चलाया है, खुले मैन होल्स की मुझे शिकायत मिली थी, मैंने लोगों को चेताया था, संबंधित अधिकारियों को, और उसी रोज़ मैंने उनको काम पे जोड़ दिया था, निर्देश दिए कि 24 घंटे में मुझे रपट दी जाएगी। वो रपट की आज मुझे दरकार है और मैं समझता हूँ कि खुले मैन होल्स को भी ढका जाएगा, पॉटहोल्स को भरा जाएगा, नालियाँ साफ होंगी, पानी की निकासी होगी। कोई समस्या है सच मुझे इतनी नहीं लगती जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान का कोई अंदेशा। शहर में जल भराव को लेकर डीसी साहब को कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती, लेकिन पानी में निकाली गई नवीन की ये बारात कोई मजाक नहीं जिसको प्रशासन के अधिकारी यूं ही नजरअंदाज कर दें। कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी शादी को लेकर ढेर सारे सपने देखता है। माता पिता भी बेटे की शादी धूमधाम से कराना चाहते हैं, मगर सरकारी व्यवस्थाओं की नाकामी के चलते अगर कोई भी बारात इस तरह से पानी के बीच निकलने को मजबूर हो जाए तो सरकार और प्रशासन पर उंगली उठेंगी और उठनी भी चाहिए। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।